वहीं उज्जैन में आज बसंत पंचमी पर महाकाल का पूजन अभिषेक कर विशेष श्रृंगार किया गया। भगवान महाकाल को बसंत पंचमी पर सरसों के पीले पुष्प अर्पित कर माता सरस्वती के स्वरूप में भगवान महाकाल का श्रृंगार किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे और इसके अलावा सिंहपुरी में सरस्वती माता के मंदिर में बसंत पंचमी पर विद्यार्थियों का तांता लगा रहा। बसंत पंचमी पर यहाँ छात्र छात्राएं परीक्षा के समय सरस्वती माता को स्याही और कलम चढ़ाते हुए नजर आए। देखिए अनोखा रूप, अद्भुत रूप बाबा महाकाल का देखने को मिला, जहां मां सरस्वती के रूप में आज उनका श्रृंगार किया गया है और बड़ी संख्या में बाबा महाकाल के दरबार उनके दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। तो वही बसंत पंचमी पर उज्जैन में महाकाल मंदिर में विशेष पूजा अर्चना हुई और इसके साथ ही भस्म आरती भी हुई। साथ ही यहां बसंत उत्सव की शुरुआत हो गई। महाकाल का अभिषेक पूजन कर पीले फूल और गुलाल अर्पित किए जाते हैं। तो देखिए आप यहां पर बड़ी संख्या में जो भक्तगण हैं वो मौके पर मौजूद हैं, मंदिर प्रांगण में मौजूद हैं और बसंत उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। भस्म आरती में शामिल हुए श्रद्धालु भस्म आरती का जो नजारा है वो आपको दिखा रहे हैं और आज बाबा महाकाल का मां सरस्वती के रूप में श्रृंगार किया गया है। और जैसा कि आपको मालूम है कि प्रदेश के अंदर जिस भी त्यौहार की शुरुआत होती है वो बाबा महाकाल के दरबार से होती है और इस बार भी बसंत पंचमी की धूम बाबा महाकाल के दरबार से शुरू हो चुकी है। तो आप ये देखिए कि पूरे देश में बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। हमने आपको अलग अलग तस्वीरें भी दिखाई है, एक तरफ जहां धार में आज धार्मिक आयोजन हो रहे हैं जगह जगह, तो वहीं उज्जैन में भी जोरों शोरों से पूरी उज्जैन नगरी आज पूजा पाठ में लगी हुई है। महाकाल के चरणों में बसंत ने अपना रंग बिखेरा है, तो उसी श्रृंखला में आज भगवान को भस्म आरती में बसंत के स्वरूप में केश सरसों के फूलों से भगवान को सजाया गया। आज बसंत का स्वरूप भगवान को दिया गया। उसी श्रृंखला में आज से ही फाग उत्सव भी चालू हो जाएगा, तो शाम को भगवान को विशेष रूप से गुलाल अर्पित की जाएगी और आज बसंत उत्सव का एक अनन्य आनंद है। भगवान को केसरिया भात का भोग लगाया गया, उसके बाद सब भक्तों को वितरण किया गया। तो आपने देखा जगह जगह की तस्वीर आपको दिखाई गई और एक बार फिर से सीधे रुख करेंगे, धार से संवाददाता नवीन जुड़ गए हैं। नवीन, धूम मची हुई है पूरे देश में, धार में कैसी तस्वीरें आज बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जा रहा है? तो नवीन की आवाज सही नहीं पहुंच पा रही है और चलिए आगे बढ़ेंगे। जिस तरीके से उज्जैन में भी बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जा रहा है, ठीक इसी तरीके से पूरे देश में आज बसंत पंचमी मनाई जा रही है। महासमुंद से बड़ी खबर है, जहां दो अलग अलग मामलों में 13 किलो गांजा जब्त किया गया। 5 आरोपी